गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, दिस इज़ एडी। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि यामा और केटीएम की हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। बिकॉज यामा अपने उसमें यार बेस्ट है और केटीएम अपने उसमें है। केटीएम ने थोड़ी सी अब की बार क्लोल कर दिया भाई, जो उसकी लुक्स निकाली है। सो मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो का टाइटल है कि क्यों लेनी चाहिए आपको यामा R15 V4, क्यों नहीं लेनी चाहिए बेटर देन RC 200। क्योंकि मुझे पता है यार, क्योंकि प्राइस रेंज में ही फ़र्क है, बहुत चीज़ें चेंज है, आपको मैं वही बताना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, जो KTM लवर हो KTM ही लेंगे, बट जो आज की मेरी वीडियो है वो है इस पे यामा पे भी क्यों लेनी चाहिए। और आज Day 5 है, कंटिन्यू वीडियोस डाल रहा हूँ यार। प्यार दिखाओ, थोड़ा सा प्यार ही नहीं दिखा रहे हो आप, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा प्यार दिखाओ। आज 5वीं वीडियो शूट कर रहा हूँ, हफ्ते का चैलेंज खुद को सेल्फ चैलेंज लिया है। सो फटाफट चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखाता हूँ। टाइम भी 7 बज गया, अंधेरा होने वाला है। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको अपनी बाइक, ये खड़ी है देखो जी बाइक, ये यहाँ पे इतना बढ़िया लोकेशन है ना, ये हाईवे चल रहा है सामने और यहाँ पे मैंने बाइक लगाई है अपनी। संजीव भाई मेरे साथ आए हैं। सो कंटिन्यू करते हैं इस पे फटाफट, क्योंकि यार एक तो देखो ना, आपको पूरा अंधेरा हो चुका है, सनसेट हो चुका है। सो फटाफट करते हैं स्टार्ट वीडियो को, आप करो इन्जॉय। चल रहे हैं इसकी लुक्स की तरफ यार, KTM को और इसको आप साथ में खड़े करना तो यार KTM इसके आगे कुछ भी नहीं लगती यार। इतना मतलब पहले वाला जो मॉडल था, मैं उसके साथ इसको कंपेयर नहीं करता हूँ, पहले वाला मॉडल सीरियसली मुझे भी बड़ा पसंद था, बट जो ये वाला मॉडल अब इसका आया और KTM ने जो अपनी बकचोदी डाल दिया, मतलब कि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रही है। सिंपल सी बात है, जो मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ इंडियन लैंग्वेज में। सो ये वाला जो यार इसका लुक्स है ना, जो इन्होंने DRL डाल दिए हैं, जो लुक्स डाल दी है, थोड़ी सी कमी इसमें भी है, बट यार ये बाइक उसके मुकाबले में बेस्ट है। और 2 लाख रुपए के रेंज में यार इतनी बढ़िया बाइक और इतनी लुक्स अच्छी मिलेगी आपको। एक बार जब भी आप KTM लेने जाओ, उससे पहले आप जाओ कि यहाँ पे यामा में इसकी टेस्ट ड्राइव लेकर देखो, इतने फीचर्स लोडेड है ना ये बाइक। सो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको यार 40,000 एक्स्ट्रा लगाने हैं, और वो भी उसकी लुक्स, आप लुक्स एक बार चेक कर लो। मुझे पता है, सबको पता है कि अब की बार KTM ने पूरा गंद डाल दिया है। सो प्लीज़ आप एक बार KTM को और इसके बारे में सोचना और फिर जाके लेना। सो ये आपको दिखी गई है लुक्स, लुक्स मस्ट है, क्योंकि लुक्स पहले है यार, बाकी पैसे तो बाद में ही देने हैं, पावर बाद में देखने, लुक्स पहले देखने हैं भाई। क्योंकि अगर लुक्स ही नहीं अच्छी होंगी तो पावर का भी क्या करना है, सिंपल सी बात है। देखो अगर तो हाइलोजन में जाते हैं तो यार देखो, इसमें थोड़ी सी कमी मुझे लगी है कि इसमें हाइलोजन डाले हैं, बट यार अगर 40,000 कम जा रहे हैं हम KTM से, तो यार हाइलोजन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2,500 रुपये में हाइलोजन डलवा निकलवा के इसमें यार LED इंडिकेटर लगवा सकते हैं। सो इसमें इसको यार हम ये नहीं कह सकते कि इसका एक माइनस पॉइंट है, नहीं यार, क्योंकि यार प्राइस रेंज भी आप चेक कर ही सकते हो इसका। अगर सेकंड इसकी तरफ जाएं, अगर इसकी पावर की तरफ जाएं, तो लोग कहते हैं कि यार इसमें 18.4 PS की पावर दी हुई है, KTM कहाँ 20-22 की जाता है, ठीक है, वो इशू नहीं है। आप देख लेना 140 पे जाके KTM भाई वहीं पे स्टक हो जाती है, भागती नहीं है 140 से ऊपर, इसको भगा के देख रहा हूँ 150 यार ईजिली चढ़ जाती है। सो वो चीज़ भी है, अगर आपको लगता है ना पावर कम है, 2 लाख रुपए में पावर कम नहीं है, वो 140 पे जाके स्टक हो जाती है। हमारे यहाँ पे बराड़ा में भी एक लीव है भाई, 140 से ऊपर वो भागती नहीं है, वहीं पे उसका मीटर स्टॉप हो जाता है, आप भगा के देख लो। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप ना किसी न किसी नॉन के पास जरूर होगी, बट ये 150 155, मैं 165 भी नहीं बोलता, 155 या 150 तो ईजिली चली ही जाती है, जिसकी वजह से यार मैंने यार यामा की तरफ शिफ्ट किया है। और जो इसका यार लुक्स है ना, मेन तो लुक्स हैं, अगर आपकी घरवाली सुंदर नहीं होगी, ठीक है, तो आप स्मार्ट बन के क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये भाषा आपको समझ आ गई होगी मेरे अंदाजे से। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं, अगर यार इसकी पावर की तरफ, पावर मैंने आपको बता दिया, प्राइस रेंज आपको मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। अपनी बाइक की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट यार इसमें इतना ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा, डिटेल वीडियोज़ भी हैं, आई लिंक में आपको मिल जाएंगी, बट यार ये बात है कि मैं अपनी बाइक की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। KTM से मुझे मतलब कि पहले से सच में प्यार था, कि KTM यार KTM इतनी अच्छी चीज़ है ना, मतलब कि KTM की तरफ मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं KTM पे शिफ्ट करूँगा, बट जो इन्होंने इतना गंद डाला ना भाई, इन्होंने जो इसकी लुक्स को यार बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ड्यूक को और उसको मिक्स कर दिया, मिक्सअप कर दिया, आई हेट इट, मतलब मुझे पसंद ही नहीं आई यार। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार आप लोग फालतू में अपना पैसा खराब मत करो, सो सीधा स्विफ्ट कर लो यामा पे, सिंपल और दैट। सो आज की वीडियो शायद इतनी की होगी, क्योंकि मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि क्यों, अभी दोनों का कंपेयर वीडियो मैं लेकर जरूर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास एक है RC, उन दोनों के साथ में मिलके हम दोनों इसका कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे, तो आपको सिंपली क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैं जा रहा हूँ। और बाकी यार वीडियो आज यहीं तक है, सो अभी सिनेमैटिक डालता हूँ थोड़े से, उसको इन्जॉय करो और उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे, क्योंकि आज यार लेट निकले हैं घर से, टाइम भी काफ़ी हो गया, 8:30 हो गए होने वाले हैं, अंधेरा हो चुका है, वीडियो में शायद आपको ना दिखे बट हो चुका है यार। सो चलो जी सिनेमैटिक इन्जॉय करो आप। सो गाइज
करते हैं वीडियो क्लोज यहीं पे। आज की वीडियो इतनी सी, थोड़ा यार प्यार दिखाओ मुझे, मैं कंटिन्यू वीडियो कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा। यार आपको पता है कंटेंट की भी कमी है ही है, क्योंकि एक शहर में दूसरे में आया हुआ हूँ, तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। एक NS है मेरे पास 160, उसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो डालूंगा, शायद कल डालूँ। अभी तो थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन करवानी है मैंने अपनी बाइक की। सो जो ये मॉडिफिकेशन मैं सोच रहा हूँ, ये वाला यार चेंज कराना है मीटर पे। देखो आप ये रेड फेस यार, ये ख़राब हो गया है, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि इसको चेंज करवा देता हूँ। थोड़ी सी मोड करवाने मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे टैंक पे ना, यहाँ पे रेड फेस का एक मतलब कि बहुत अच्छा सा लोगो बनवाऊँ, मतलब कि जो अच्छा लगे, इसकी लुक्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दे। सो गाइस, जिसको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो, कि जिसको अच्छी लगी हो, देखो KTM वाले हेट मत करना, क्योंकि यार मैं उनके लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपको अगर लेने तो आप KTM लो, बट मैं एक आपको बता रहा हूँ कि अगर पैसा लगा रहे हो तो लुक्स मैटर करती है। लुक्स मैंने बताई दी आपको, जब घर वाली सुंदर होगी तभी आप अच्छे लगोगे, अगर आप अच्छे बन जाओगे घर वाली अच्छी नहीं होगी, समझ रहे हो ना, तो फिर फायदा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। सो मिलते हैं किसी ऐसे ही नए ब्लॉग में। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते हो। सिर्फ प्यार चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए, आप वीडियो को प्यार देते रहो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी किसी नवी वीडियो में कल। टाटा बाय बाय।